इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से लेटेस्ट भर्ती निकाल दी गई है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। उस वैकेंसी को लेकर पूरी अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कब से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरीके से नई नोटिफिकेशन लाते रहेंगे वैकेंसी को लेकर। चलो मैं आपको ऑफिशियली नोटिस पे ले चलता हूँ जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी हुआ है। जिस दिखा रहा हूँ ये नोटिस जारी हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, इस पर आप देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, जिसके कि फॉर्म आपके अप्लाई होने वाले हैं 6 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक आपके फॉर्म रहने वाले हैं। वही बात करें इसमें दो पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि आपकी नाविक जनरल ड्यूटी 10वीं प्लस 12वीं आपने पास होनी चाहिए नाविक प्लस जनरल ड्यूटी के लिए, और वही बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आप 10वीं पास हो तो आप डीवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इन दो पोस्टों पे ही आपकी भर्ती निकाली गई है, टोटल आपकी 300 के आसपास ये भर्ती रहने वाली है, 300 आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसमें टोटल आप देख सकते हो। वहीं बात करें डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, तो डेट ऑफ बर्थ नाविक डीवी और जीडी के लिए 1 सितंबर 2001 से लेकर अगर आप 31 अगस्त 2005 के बीच में अगर आप पैदा हुए तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला था, सबसे पहले आपका स्टेज फर्स्ट में जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो होगा उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका CVD एग्ज़ाम होगा, तो उसको लेके यही अपडेट है आपके ये सारे रहने वाले हैं। वही बात करें आप देख सकते हो यहाँ से सेक्शन 1 सेक्शन 2 के तहत कितने आपकी मार्किंग रहने वाली है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हो हर सेक्शन वाइज अलग अलग मार्किंग रहने वाली है, और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। वहीं बात करें फिजिकल फिटनेस में आपसे क्या मांगे गए, तो 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगी गई है और 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स आपसे मिनिमम मांगे गए हैं, इतना आपको करना होगा। वहीं बात करें जो इसका फाइनल स्टेज है वो कब आएगा, तो वो देख सकते हो आप, फाइनल जो स्टेज रहने वाला है थर्ड रहने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका फाइनली मेरिट जारी कर दी जाएगी। जो भी छात्र इस भर्ती के लिए इच्छुक है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिएगा, 6 फरवरी से ये फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, और आपके जो ये भर्ती है बहुत ही अच्छी निकाली गई, दो पोस्ट पर GD और DV पोस्ट पर यह भर्ती रहने वाली है। GD के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए साइंस साइड से, वहीं DV के लिए आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर ये आपको अच्छी नोटिफिकेशन लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना।